दशरथ नगर मांगलिक भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने भाजपा नेता कार्यकर्ताओं और पार्षदगण आम नागरिक उपस्थित रहे। वहीं जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नरेश चंदवानी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज माननीय मोदी जी की मन की बात का 100वां एपिसोड है और सभी वार्ड वासियों ने यहाँ इकट्ठे होकर मन की बात सुनने के सार्वजनिक स्तर पर मन किया है। मन की बात के माध्यम से हमें देश के कोने कोने से जो नए नए अचीव हो रहे हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है। आज ही जम्मू कश्मीर में सिलेट पेंसिल के एक उत्पादक से बात करवाई। हम मंदसौरवासी सोचते थे कि मंदसौर के आसपास ही सिलेट पेंसिल होती है, लेकिन आज हमें भी ये पता चला कि जम्मू कश्मीर में भी सिलेट पेंसिल होती है और उन्होंने श्री मंजूर से बात की। देश के अंदर कई पर्यटन के स्थल है, उनमें घूमने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ऐसी अनेक बातें, छोटी छोटी चीज़ें जो दिल को मन में आती है, इसी मन की बात का हम सब ने मिल के बात। मंदसौर से पीडी वैरागी की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ एमपी की मुहिम, बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।